हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू पबजी टाइटंस टूर्नामेंट, अ स्पॉन्सर्ड प्रमोशनल एक्टिविटी जो कि एक फ्री मैच है। इस फ्री एंट्री मैच में आप सबका स्वागत है और स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल 10 बज गए हैं तब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी 40 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ऑलरेडी आई हैव गॉट 58 रजिस्ट्रेशन, पर कुछ लोग शायद भूल गए हैं ज्वाइन करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मैच और देखते हैं इस मैच में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा फर्स्ट प्राइज 500, सेकंड प्राइज 300 और थर्ड प्राइज 200 रुपीज़ का। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। सो 40 लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, जो मैंने देखा स्टार्ट करते वक्त। मे भी कई बार एक आध पॉइंट सेकेंड्स का फ़र्क होता है सर्वर पे, तो कई बार होता है 40 के 41 हो जाते हैं या 40 के 39 हो जाते हैं, 40 के 45 भी हो सकते हैं। सो एवरीबडी इज़ ज्वाइनिंग इन फास्टली, सो आई कैन स्टिल सी अ लाइव 39 40। सो 40 के 40 लोगों ने ज्वाइन किया है, ना ज़्यादा हुए ना कम हुए, 40 लोगों ने एग्जैक्टली ज्वाइन कर दिया है। और अभी हम हैं लॉबी में। ओहो, आवाज़ तो बिल्कुल आई नहीं रही। कोई नहीं, आवाज़ मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आप इनकी धूमधाम धड़ाम सब सुन सको। सो शुरू होने वाला है और कायदे से धूम धड़ाम ही होना चाहिए आज, क्योंकि भाई प्राइज मनी है स्टेक पर। और देखते हैं कौन कहाँ जाता है, क्या करता है। ये सब क्या नाश्ता हुआ मुझे दिख रहा है, कौन कहाँ कहाँ घूम के आ रहा है, ये क्या हुआ, पहले से लोग घूम रहे हैं क्या। अच्छा नहीं, नीचे दिख रहा है मुझे बैकग्राउंड में। ओके, सो आई एम वॉचिंग सम हाइब्रिड और प्लेन उड़ चुका है। सो स्पॉन आइलैंड से प्लेन उड़ चुका है और ये बिल्कुल बीचों बीच से बाइसेक कर रहा है तीनों के तीनों आइलैंड्स को। सो मिलिट्री के ऊपर से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कौन जाता है मिलिट्री और कौन जाता है कहाँ। सो आई हैव हाइब्रिड शार्क टीम केपीजे, क्रिंजल, सज्जाद, काफ़ी सारे लोग हैं और एक टीम उतर गई। ओके, सो ओहो, टीम वन ही उतर गई है मिलिट्री, वेरी नाइस। तो सोलो मैच है, लेट्स सी कौन कहाँ उतर रहा है ग्राउंड पे। अभी सिर्फ ग्राउंड पे अभी गए हैं सिर्फ 2 लोग। सो दोनों ही लोग यहीं पर उतरे हैं मिलिट्री के आसपास। ओके, सो लेट्स सी, चलो मिलिट्री से एक्शन देखना हम शुरू करते हैं। आई होप धूम धड़ाम धमाकेदार एक्शन। तो हाइब्रिड शार्क जो टीम नंबर वन में है वो उतर चुके हैं। सो मिस्टर शार्क लूट करना शुरू कर रहे हैं। ओके ओके ओके, पिस्टल मिल गई। ओके, सो मिलिट्री के ये जो फैक्ट्री नुमा जगह है यहाँ पर उतरे हैं। आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड। सो 3 बिल्डिंग नहीं गए जहाँ यूजुअली लोग जाते हैं। सो अभी भी ओके, नू बगोरी भी उतर चुके हैं, ये भी मिलिट्री में हैं। सो नू बगोरी लूट कर रहे हैं ऑफिस की साइड पे। ओके, चलो बाकी लोगों को देखते हैं बाकी कौन कहाँ गया। और सो आई गेस प्लेन से तो सारे उतर गए ना अब। हाँ, प्लेन तो दूर दूर तक नहीं है। ओके, पूरा बिल्कुल सीधा जहां जहां तक लाइन गई थी पूरा एंड तक गए हैं लोग। जर्की और इस तरफ भी जा रहे हैं एंड में, और सर्कल बना है बिल्कुल राइट साइड बॉटम में। सो नोवो आएगा प्रॉब्ली लास्ट तक, या मिल्टा विल्टा के आसपास जाएगा। फार्म भी जा सकता है, फार्म बिल्कुल मिड में आ रहा है। सो फार्म पे भी कुछ लोग हैं। चलो बाकी लोगों को देखते हैं यहाँ पर मिलिट्री में। वैसे मुझे फाइट होने की आशंका थी इसलिए मैं चाह रहा था पहले मैं मिलिट्री देखूं, बट कोई नहीं, ओवरऑल देखते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन है। ये तो मिलिट्री के ही हैं, ये टीम टू टीम एक्सपीजे। सो टीम एक्सपीजे इज नियर शेल्टर। सो ये शेल्टर के आसपास घूम रहे हैं। ओह, फाइट शुरू हो गई, मैं कह रहा था मिलिट्री में फार फाइट होगी। सो मिलिट्री पहुंचते हैं, यहाँ देखते हैं फाइट चल रही। ओके, थोड़ा सा इनका हेल्थ भी गया है। सो ओहो, 2 लोग निकल भी लिए भाई, कौन गए, किल्स कितनी हो गई, किल्स 1 हो गई। हाइब्रिड शार्क हैज ऑलरेडी डन। ओके, जिन्हें मैं देख रहा हूँ इन्होंने ऑलरेडी 1 किल कर दी है, और जिनका देहांत हुआ वो बेचारे कौन से थे। लेट्स सी, सो हु एक्चुअली हैज गॉन, कौन 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 जा चुका है, लेट्स सी।
सो नूबा गोरी इज स्टिल अलाइव इस जगह पर, यहाँ पर दो ही लोग हैं। ओके सो फाइट किस में हुई, कौन सा तीसरा बंदा था जो हाइब्रिड शार्क ने नॉकआउट किया है? सो नूबा गोरी को भी गनशॉट्स जरूर आए होंगे आई गेस। सो इनको पोजीशन का कुछ तो आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि क्या है यहाँ पर। M416 हाथ में ले रखी है, लेवल 3 का हेलमेट मिल चुका है, और जो वेस्ट है वो मिली है इनको लेवल 2 की। चलो लेट्स सी। हाँ इनको पता है कहाँ पे हैं, और आई गेस अब 3 बिल्डिंग में होंगे। हाइब्रिड शार्क नहीं, 3 बिल्डिंग में नहीं है, ऑफिस किस साइड है? सो 3 बिल्डिंग में प्रॉब्ली कोई भी नहीं है, ये 2 ही लोग हैं मिलिट्री में जो लूट कर रहे हैं। चलो कहीं और चलते हैं, अब जरा आगे कहीं देखते हैं कहाँ पर हो रही है फाइट। सो ये बोट से क्रिंजल, क्रिंजल UP63। ओके क्रिंजल जो है वो बोट से घूम रहे हैं, और बोट से घूम रहे हैं बिल्कुल एंड में मैप के, तो इनको तो बहुत सारा ट्रैवल करना है। कहाँ से जाएंगे? जर्की की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और अगर ये इस तरफ कहीं फंस गए और गाड़ी नहीं मिली तो इतनी जल्दी से कैसे रोटेट करेंगे? बोट से भी अगर अभी से रोटेट करें तब तो पहुंच भी सकते हैं। सो एक और व्यक्ति हैं जो यहाँ पर उस पे हैं, बोट में हैं। सो लेट्स सी और कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। सो सज्जाद इधर हैं जर्की की तरफ, और किसी ने अभी तक किल नहीं की है। 2 किल्स हुई हैं, नहीं, एक किलर MH04 ने की है। किलर MH04 रेंज के पास है, इन्होंने रेंज के पास एक किल मिली है। ओके लेवल 2 का वेस्ट, लेवल 1 की इनके पास वेस्ट है, शेल्टर के पास है, सॉरी ये नो शूटिंग रेंज के पास है। ओके शेल्टर जैसी स्पेस है। चलो लेट्स सी, कहीं पर धूमधड़ाम होता हुआ अभी दिख नहीं रहा, थोड़ी शांति है, लोग शांति से लूट कर रहे हैं इधर उधर, क्योंकि 40 लोगों का भी अगर गेम है। एम ऑनिक्स कहाँ पे हैं? सो 3 जा चुके हैं, RL विनायक और आयुष सुनील। ओके ओके एक और फाइट हुई फेरी में, फेरी में हुई फाइट, फेरी में हुई फाइट, और यहाँ पर पायरेट स्काई ने एक किल निकाली है और लूट लिया डब्बे से DP। ओके सो चौथी किल हो गई है भाई गेम में। सो विनायक, आयुष और अल्ट्रा आरडी, ये 3 4 लोग जो हैं, ये जो हैं सुनील, ये लोग जो हैं अब गेम से बाहर हैं। सो अभी भी गेम में 36 अलाइव हैं, सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर। चलो न्यू बॉसमैन, सो न्यू बॉसमैन गाड़ी में घूम रहे हैं, मिल्टा के आसपास हैं, मिल्टा सिटी में हैं। सो मिल्टा सिटी में घूम रहे हैं, और किस तरफ जा रहे हैं अभी तक इनकी भी कोई फाइट नहीं हुई है। सो लेट्स सी कहाँ पर और फाइट हो रही है, कहीं पर अभी मैप में मुझे कुछ नहीं दिख रहा फाइट होते हुए, कहीं पर शांति से ही लूट चल रही है। अचानक किसी के आसपास कोई आ जाए, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं पास पास तो है नहीं, ज़्यादातर लोग मैक्सिमम दूर दूर हैं। यहाँ पर 2 लोग मुझे पास पास दिख रहे हैं ब्रिज के आसपास। सो हाइब्रिड और नार्को, और हाइब्रिड जा रहे हैं नार्को की तरफ एक्चुअली। सो चलो नार्को को देखते हैं, नार्को यहाँ पे है, नार्को शिव। सो नार्को शिव ये ब्रिज के पास की जगह पर हैं बिल्कुल स्टार्ट में ही। सो काइंड ऑफ लेट कर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको लग रहा है कि जगह सेंटर के आसपास ही आएगी ऑब्वियसली। सो ये इसलिए शायद यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और किल किसी को नहीं देना चाह रहे हैं अनजान को। तो मुझे मिलिट्री के पास फिर बहुत सारे लोग क्यों देखते हैं बार बार? लेट्स सी और कौन है मिलिट्री में। सो मिलिट्री में देर इज नूब लकी विन, नूब अगोरी एंड डेल्टा, डेल्टा भरत आई गेस, घरत या भरत, गहरत, ओके गहरत का है ये। ओके सो गहरत यहाँ पर हैं जो मिलिट्री में लूट कर रहे हैं। नूब चलो डेविल को एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। सो वहाँ पर क्या फाइट हुई कुछ जहाँ पर मैं देख रहा था पहले? ओके यहाँ पे लग रहा है कि डेविल जो है वो नहीं, डेविल तो अंदर आ गए हैं। सो अच्छा इनको शायद पता चल गया है कि छत पर वहाँ पर सामने ग्राउंड में कोई और भी है सिमिलर ग्राउंड में। सो विक्रम भसीन भी आसपास ही है, विक्रम भसीन तो बहुत दूर है, सिमिलर ग्राउंड में पर कैसे दिखा रहा है मुझे, और डेविल है यहाँ पर। ओके नूब शिव, नूब अघोरी मूविंग, मूविंग नूब, नूब अघोरी इज मूविंग टूवर्ड्स
सब गैरत के पास आज मिलिट्री में लूट हो रही है भाई। और यहाँ पर मुझे लग रहा है ये यहाँ पर कुछ ब्रिज कैंपिंग हो रही है। नार्को शिव नूब सब आसपास हैं। डेथ स्ट्रिंग किल जीरो। ओके ये यहाँ ओके। सो ये आसपास काफी सारे लोग हैं यहाँ पर एक बार साथ 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 साथ। सो लेट्स गो टू समवन जहाँ पर फाइट वाइट होने की कुछ आशंका हो। ये तो बहुत दूर है अभी फाइट से, पर मुझे यहाँ पे नार्को अघोरी। ओके ओके यहाँ फाइट शुरू हो गई। सो लेट्स सी कहाँ पर हो रही है फाइट। ओके ओ ऑलरेडी किल निकाल ली। ओनिक्स ने एक किल निकाल ली है ऑलरेडी, यूजी से निकाली है और लूट चल रही है फिलहाल। ओके वेरी नाइस। सो यहाँ पर पहला ड्रॉप आ चुका है, फर्स्ट ड्रॉप इज देयर। सो लेट्स सी कि ड्रॉप में क्या है। ओके चलो ड्रॉप में एक्सपेक्टेट करते हैं कि क्या है और क्या कोई इसे लूटने आ रहा है। चलो अभी तो ग्राउंड पे लगने दो पहले, बाद में देखेंगे। तो पहला ड्रॉप हो चुका है और यहाँ पर चलो ब्रिज कैंपिंग एक बंदा कर रहा है। नार्को शिव इज डूइंग। ओके 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 नार्को शिव। यहाँ पर फाइट हुई ओनिक्स की। ये तो याचना है हमें क्या आसपास है यार। सो यहाँ पर एक किल और दो किल इनफैक्ट और निकल चुकी हैं। एक तो अभी भी मैंने जो जहाँ पहुँचा जहाँ पे हो चुकी थी फटाफट। और हाइब्रिड शार्क को ओनिक्स एक किल निकाल चुके हैं। वेरी नाइस। और बहुत सारे लोग अभी खैर जोन में, सिर्फ अभी स्नाइपर गॉड हैं। 420 स्नाइपर गॉड इज स्टिल जोन के अंदर आ रहे हैं। नार्को अभी काफी किनारे हैं फेरी की तरफ, वो जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो काफी लोग जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जोन मूव हो चुका है और नया जोन बन चुका है ऑलरेडी। ओनिक्स की फाइट यहाँ पर याचनाएं में है। इनको दिख गया है कि इनके राइट से कोई निकला है। हाँ उस तरफ से नूब अघोरी इज देयर। ओके ये नूब अघोरी सीधे ही पहुंच गए हैं याचनाया की तरफ। सो इनको भी शायद इनको अंदाजा लग गया है कि यहाँ पे पास में कोई आ गया है। सो नूब अघोरी मिलिट्री में थे, इन्होंने मिलिट्री में ड्रॉप लिया था और वहां से सीधे याचनाया, बड़ा लंबा रास्ता अपना लिया। सो इनके हाथ में AKM है। आई लव दिस गन क्योंकि बहुत मज़ा आता है, खासकर जब क्लोज फाइट होती है तो इस गन से खेलने में बहुत मज़ा आता है। सो लेट्स सी अब कहाँ पर हैं बाकी के लोग, क्या कहीं पर फाइट होने की आशंका है। अरे दूसरा ड्रॉप आ गया, पहला लूटा किसी ने क्या। सो लेट्स सी इस ड्रॉप में क्या है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। ओहो एक्सपेक्टेटर ग्लिच है कुछ भाई, दिखा दे ड्रॉप में कुछ है। वो सब कुछ पड़ा है, MK14 पड़ी हुई है इसके अंदर और लेवल 3 के पूरे गियर और 60 बुलेट्स के साथ, पर अभी तक किसी ने इसको छुआ भी नहीं। वेरी नाइस चलो कहीं और चलते। ओहो जोन आगे फिर बन गया है। सो हम जहाँ पे एक्सपेक्टेट कर रहे थे वहीं पर पहुँचते हैं वापस क्योंकि यहाँ फाइट होने की आशंका लग रही थी मुझे, पर हुई नहीं है। सेकेंड ड्रॉप गिर रहा है अभी पैराशूट में। मिलिट्री से भी, मिलिट्री में लोग अब आए हैं क्या। नूब लकी विन वहाँ पर अब पहुँचे हैं यहाँ पर और लोग पहुंचे हैं। अभी किल तो खैर 6 ही हुई हैं। सो नीरा जबादशाह। ओके एंड में मजा आता है वैसे ज्यादा देखने में। ओके ओके यहाँ पर एक और फाइट हो गई। सो लेट्स सी कौन है यहाँ पे। नीरज के ऊपर शायद गोलियां चलाई थी किसी ने, अच्छा पीछे नूब अघोरी थे इन्होंने गोलियां चलाई थी। सो अब ये लोग हैं नूब अघोरी राइट से जा रहे हैं, ये अपने रिफ्यूल कर रहे थे फिर शायद बीच में छोड़ दिया इन्होंने रिफ्यूल करते करते। ओके सो ही नोज शायद क्योंकि सीधे उसी डायरेक्शन में मोड़ी है गाड़ी और नूब अघोरी की तरफ जा रहे हैं। नीरज नीरज बादशाह। ओके ओके ये जा रहे हैं ड्रॉप लूटने और शायद
अघोरी भी इसी तरफ नहीं, ड्रॉप लूटने नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप के तो बिल्कुल बगल से निकल गए जैसे बस मम्मी चाहिए ही नहीं। ओके इनके ऊपर आया कुछ, आया अमोबो MO80, ओके S7 MO80 के ऊपर शॉट्स आए, शाइन है इसके अंदर, दो लोग हैं इसके अंदर, सो दो लोग कैसे हैं एक साथ। ओके लेट्स सी हु टू आर दी दीज, दो लोग एक ही व्हीकल में क्या कर रहे हैं। सी आई डोंट, ये नहीं होएगा कि कोई टीम अप करके खेल लेगा और प्राइज मनी मिलेगी, ये नहीं होगा, हम एक्सपेक्टेट करेंगे। अच्छा तो ये एक टीम है जो सोलो मैच खेल रही है, तो ये साथ साथ आ गए हैं क्या। सी ये नहीं होने वाला है भाई, शाइन सज्जाद और एम्बो सो ये पास पास ही हैं। देखो दोस्त दिस इज नॉट अ फेयर गेम, अगर ऐसे खेलेंगे तो ये फेयर गेम नहीं है, सोलो मैच है, सोलो मैच को सोलो की तरह खेलो। अगर आपस में टीम अप करके खेलोगे सो दैट्स नॉट गुड, फेयर गेम प्ले हो तब तो मज़ा आता है ना खेलने का भी और देखने का भी, वरना क्या फ़ायदा। चार लोग मिलकर अगर सोलो मैच में एक बंदे को मार भी दोगे तो क्या मज़ा आएगा भाई, कुछ नहीं आएगा। ओह एक शार्क ने किसी को लुढ़का दिया अभी अभी, लेट्स सी शार्क कहाँ है। सो ये बहुत सारे लोग M1X और 3 4 5 लोग एक ही जगह पे हैं, सो शार्क ने किसी को लुड़काया। सो अभी तक एक 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 किल है, ओनिक्स की 2 किल्स हैं, बाकी सबकी एक 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 किल है। ओके सो लेट्स सी कहाँ पर फाइट हुई थी भाई, विक्रम भसीन कहाँ है, कहीं ब्रोकन वॉल के पीछे। ओके इनके सामने भी हैं नूब ब्रातिन और समथिंग लाइक दैट। ओके सो यहाँ पर अभी बचे हुए हैं और ओके शाइन, ये सारे लोग अभी बचे हुए हैं, एम्बो बचे हुए हैं, अभी तो हैं काफ़ी सारे लोग यार, 29 अलाइव हैं। सो अभी 11 जो हैं किल्स हुई हैं अभी तक टोटल। विक्रम ने शॉट तो लिया था पर मुझे शायद छूट गया, और गाड़ी लेके यहाँ पर दो दो गाड़ियाँ क्यों इकट्ठी कर रखी हैं भाई। चलो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या वो एक्चुअली टीम अप कर रहे हैं भाई, ये तो गलत बात है। सज्जाद एमओ शाइन ये सब साथ में हैं एंड दैट शुड नॉट हैपन, क्योंकि ये गलत चीज़ है भाई। सोलो मैच की तरह खेलो, पर ये शांति में क्यों पड़े हुए हैं। सोलो मैच सोलो की तरह खेलो दोस्तों, यूट्यूब पे जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, और फेयर गेम प्ले होना चाहिए गाइस, देयर इज अ प्राइज मनी टू इट, और प्राइज मनी के लिए सब खेल रहे हैं सो फेयर गेम प्ले होना चाहिए। वैसे भी यू कैन नॉट रिवाइव और दो दो लोग एक जगह हैं, सो आई डोंट लाइक दिस, आई रियली डोंट लाइक दिस। M4 से शॉट ले रहे हैं, सो कोई फायदा नहीं है ऐसे किल भी करने का और ऐसे खेलने का यार, गलत चीज है, दिस शुड नॉट हैपन। सोलो मैच को सोलो की तरह खेलना चाहिए। हाँ शाइन भी यहीं पर हैं, सज्जाद भी यहीं पर हैं, मिस्टर मैडी जो है नंबर 15 वो सामने की तरफ हैं इनके, सो इनको क्या कहते हैं, मिस्टर मैडी को देख रहे हैं ये, मिस्टर मैडी आ गए हैं सेफ जगह पे, लेकिन इनके आसपास हैं, शॉट्स लिए जाएंगे इनके ऊपर आई गेस। लेकिन सोलो मैच है और फिर एक प्राइज मनी के लिए है, तो यार सोच के खेलना चाहिए यार, ये ऐसे नहीं खेलना, फेयर खेलें, देखें किसमें कितना है दम, वो वाली जब बात होती है यार तभी मज़ा आता है, ऐसे नहीं मज़ा आता कि आपने उसमें कर लिया टीम अप कर लिया, नॉट फेयर गाइज, नॉट फेयर। फिर मुझे मजबूरी फिर स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि मैं प्राइज मनी तो ऑब्वियसली नेड किया था, स्मोक किया है इन्होंने इस तरफ, ताकि इधर से कोई इनको देख नहीं सके, और स्मोक किया है सो शाइन आ रहा है इनकी तरफ, शायद ओनिक्स भी पास में है, सो एक और जोन बन गया है, अगला जोन बन गया, अब तो सर्कल बहुत छोटा हो गया, और मिल्टा पावर के ऊपर की तरफ लिपोविका और मिल्टा मिल्टा के बीच में कटा है, सो यहाँ पर भी फाइट हो रही है। सॉरी नहीं इसके पास नहीं हो रही है, हो
हो रही थी। सो वापस पहुंचते हैं हम जहां पे थे। हाँ सो सज्जाद को भी हिट लगा है शायद। ओके सो इन्होंने मिस्टर मैडी को मिलकर मार दिया। दैट्स नॉट फेयर गाइस, दैट्स नॉट फेयर। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक और टीम है, दो तीन टीम्स हैं जो सोलो अलग अलग खेल रहे हैं, पर वो अलग अलग खेल रहे हैं, वो मुझे साफ साफ दिख रहा है। जो नूब वाली पूरी टीम है दे आर प्लेइंग सेपरेटली। सोलो है तो सोलो की तरह खेलना चाहिए दोस्त, दिस नॉट अ गुड थिंग टू डू। सी ये नूब की पूरी टीम है एंड दे आर ऑल्सो प्लेइंग अलग अलग, वो एक दूसरे का साथ थोड़ी ना ले रहे हैं, अलग अलग खेल रहे हैं, सोलो मैच है। ओके सो नूब लकी विन यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक और फाइट हुई और डीनेक्स के पास गाड़ी आकर रुकी, इन्होंने गाड़ी पे शॉट, ओहो एक किल निकाल दी है इन्होंने यहाँ पे। अच्छा इनके सामने की तरफ, ओनिक्स के सामने की तरफ ही हैं ये S7 की जो टीम अप करके मेन मैच हो रहा है। तो उनकी इनकी हेल्थ अच्छी है और उनकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे यार, फिर बात वही होगी, एक अच्छा प्लेयर ये टीम अप के चक्कर में चला जाएगा। आई डोंट लाइक दैट, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। सज्जाद है, मो शाइन और ये S7 में, S7 की पूरी टीम है इनफैक्ट। तो टीम्स यहाँ पे हैं दो तीन, लेकिन वो सब सोलो खेल रहे हैं और अलग 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 खेल रहे हैं। दैट इज़ द फेयर गेम प्ले एंड दैट शुड हाउ इट शुड हैपन। वैसे भी इनके पास जोन जाने वाला है, जोन बिल्कुल दूसरी तरफ बना हुआ है। अब क्योंकि एक्शन यहाँ पे है तो मुझे यहीं पर रुकना पड़ रहा है फिलहाल, और आई जस्ट वॉन्ट टू सी ऑल्सो कि देखो एक किल और निकाली है स्टिंग ने, एक किल निकाली है MTF की। सो MTF को स्टिंग ने अभी अभी गेम से बाहर किया है। मैं भी एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू, क्योंकि पबजी टाइटन्स टूर्नामेंट जो है फेयर गेम प्ले में बिलीव करता है। क्या फ़ायदा हुआ देखा, अच्छे प्लेयर बस आपने मिल के आपने उसकी हेल्थ ले ली बस, लेकिन एक उसने किल निकाल तो ली, कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ गाइस, दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। आई रियली डोंट लाइक इट, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मुझे डेल्टा स्ट्रिंग ने अभी भी एक किल निकाली है। सो यहाँ पर आ गए हैं, बड़ा गंदा लग रहा है मुझे देख के यार। पहले फ्री मैच में ठीक है, फ्री एंट्री टूर्नामेंट है, सब फ्री में खेल रहे हैं यार, व्हाट इज देयर फॉर स्टेक, प्राइज है आपस में खेल के लो यार, दिस इज नॉट गुड, आई एम रियली हर्ट। सो S7 का अभी और कौन बचा है, S7 का शायद कोई भी नहीं बचा, बताओ। दो लोगों से बुक करते हुए आप तब भी तीन तीन चार चार लोग मिलकर कर रहे थे, फिर भी दो किल्स तो निकाली नहीं ना उन्होंने। नू बॉसमैन को अभी अभी मारा गया, क्या किसने मारा भाई, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। चलो यहाँ देखते हैं, नू बॉसमैन की किल निकाल दी गई है। अभी भी 21 लोग बचे हुए हैं, जोन बहुत छोटा हो चुका है, कई लोग अभी भी जोन से बाहर हैं। सो नूब अगोरी ने भी एक किल निकाली है अभी अभी। सो आई गेट नूब बॉसमैन को ही मारा होगा, क्योंकि इससे पहले इनको देखा था मैंने तो किल जीरो थी। अब ये नूब ब्राथल की तरफ बढ़ा, अब देखो ये टीम है बट आई नो दे प्ले फेयर, इट फील्स गुड यार, इवन इफ वी आर टीम दैट डजेंट मैटर, सोलो मैच है, सोलो मैच है, छोटा सा वो है उसके लिए, आई डोंट लाइक दैट, चलो आई शुड फॉरगेट इट। मुझे थोड़ी सी वो हो जाती है जब फेयर प्ले नहीं देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा होने लगता है कि दिट शुड बी। ओहो मारा था टक्कर, ओहो नूब अघोरी की किल निकाल दी है भाई, और बहुत ही अच्छा गेम प्ले, मज़ा आ गया मतलब बिल्कुल। और भी यहाँ पर SK बोलते हैं एक ही, अब लगभग एक ही जगह पे हैं सब। सो लेट्स सी कि कौन कौन है यहाँ पर। किलर MH04 हैं, नूब अघोरी की किल अभी भी निकाल दी है, वेरी नाइस। सो नूब ब्रातिन, नूब ब्रैटिन C7 ने किल निकाली है अभी अभी, वेरी नाइस, 4 किल्स, ओ वेरी नाइस। देखो सेम टीम के बंदे ने सेम टीम की किल निकाली है, दिस इज हाउ अ फेयर, एक ही टीम के है, दोनों नूब के प्लेयर्स हैं और दोनों ने एक दूसरे से फाइट ली है यार, फाइट लेकर खेल रहे हैं। सो मिस्टर अगोरी इज आउट ऑफ द गेम और उनके पास AWM है हाथ में, लेवल तो अच्छा इन्होंने लगता है ड्रॉप एक लूटा, नहीं अच्छा AWM अघोरी के पास थी जो शायद इन्होंने अभी भी छोड़ दी, हाँ छोड़ दी। स्केलार और
कारेल, और सॉरी क्या बोला मैंने अभी, ओ केला खाया क्या नाश्ते में? सो इस कारल को लेकर और M4 को लेकर खेल रहे हैं, दोनों 5.6 की गन्स हैं। लेट्स सी, अब एंड की तरफ जोन बन रहा है, ये बिल्कुल जोन शायद बिल्कुल किनारे की तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं जोन के, सब बिल्कुल जोन के एंड में है, लास्ट जोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ भाई जोन के बीच में, मुझे जोन से नॉकआउट नहीं होना, तो देखता हूँ जरा जोन के बीच में कौन है। सो अभी भी यार काफी सारे 18 लोग अभी भी हैं, नार्को अभी, वेर लेट्स सी व्हाट ही इज डूइंग, ये गाड़ी में बैठे गाड़ी के पहिए हिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, जोन आ गया, भागो। ओके सो अभी इज ऑलरेडी इन जोन में आ गए, आसपास ही थे। सो जोन बहुत ओपन साइड बन रहा है और जोन जो है वो बिल्कुल किनारे की तरफ भी बन रहा है, तो थोड़ा सा पानी के, नहीं पानी के अंदर तो नहीं जा रहा। ओके, प्रिजन और मेंशन के बीच में जोन बनता हुआ दिख रहा है, पर ये सारा खुला एरिया है, एक बिल्कुल बीचों बीच में पायरेट स्काई जहाँ बैठे हुए हैं, ये जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाली जो जगह, ये अकेली दिख रही है मुझे अभी भी जोन के अंदर, जो एक शेल्ट जहाँ पर इनको कवर मिल सकता है, बाकी तो कोई जगह मिल नहीं है अभी। खैर लोग एसके बोलते हैं जैसे प्रिजन के अंदर, तो अभी तो फिलहाल लो बन गया प्रिजन के बाहर, वही पायरेट स्काई वाली जो जगह है, ये वाली जगह खाली जोन में दिख रही है, और सारे लोग यहीं पर ही आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर थोड़ा हायर ग्राउंड लेने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर एक और फाइट हो गई और ख़त्म भी हो गई, यार ये बड़ी मुश्किल है। ओके ओके ओके, सो यहाँ पर भी फाइट हुई कोई हाइड्रा की, वाह फटाफट किल्स निकल गई, 8 किल निकल गई। ओहो मैं क्या हूँ, सो रहा हूँ, शाइन ने 4 किल्स निकाली हैं, बट दैट्स नॉट दैट हाउ इट इज प्लेड, दैट्स नॉट अ फेयर गेम प्ले। सो एसके बोलते अभी 0 किल्स के साथ हैं, बट सबसे अभी जो है वो एसके, ओहो सामने है बिल्कुल, वाह या चलो फाइट तो देखने को मिलेगी, मैं तो जहाँ जहाँ पहुँच रहा हूँ फाइट निकल ले रही है पहले ही, वेरी नाइस, शॉट पड़ा है लेकिन डैमेज अभी 50% हुआ है। सो ओ वेरी नाइस, एक और मिस, ओके ओके लेट्स सी। ओके जोन के थोड़ा सा, अच्छा वहाँ पर लोअर रिच था वहाँ पर चले गए, सो देखते हैं दूसरे वो क्या कर रहे हैं। ओके तो ये थे यहाँ पर, शुभम 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 इज देयर। ओके शुभम पे शॉट आया था ऊपर से, तो शुभम आ तो गए नीचे, बट एक्चुअली जिन्होंने शॉट लिया था उनको उन्होंने नहीं देखा, इसके बोलते ऊपर से शॉट लेना है, पर शुभम ने उसके साथ साथ एक किल निकाल दी, किल निकाल दी ना, मुझे हरा हरा धुआं वहां से दिखा भाई, भाग कर दूसरी तरफ जा रहे हैं और एसके बोलते इनकी किल निकाल नहीं पाए, डैमेज तो दिया था। सो व्हीकल के, व्हीकल में आ गया, वेरी नाइस, उधर भी है, उधर भी है एक टीम। सो 10 हो गए, 3 लोग और निपट गए भाई। सो बिल्कुल जोन की तरफ चल दिए, कह रहे कौन यहाँ पे खड़ा हो गया फाइट ले। ओके ओके प्रिजन के पास फिर से फाइट हो रही है। ओके एसके बोलते और पायरेट स्काई ये लोग यहाँ पर, ये अच्छा यहीं से जा रहे हैं प्रिजन के पास, फिर से शुभम पे ओ, फिर से इस बार वाह व्हाट अ शॉट, कार 98 का बिल्कुल पट वाला हेडशॉट पड़ा, डायनामो भाई वाला हेडशॉट पड़ा बिल्कुल पट से, लेकिन बच गए बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल 1 HP पे छोड़ा है और आके उसी कंपाउंड में आ गए हैं, और सामने इसके बोलते भी हैं वो भी वहीं पर रहे हैं आसपास ही, और स्टिंग भी यहीं पर आ गए हैं। ओहो मॉली भी फेंकी है लेकिन नहीं, हील कर लिया, एसके बोलते भी यहीं पर हैं यार, ये कहाँ पे है, लेट्स सी एसके बोलते कहाँ बोल रहे हैं, पायरेट स्काई जा रहे हैं नीचे, पर मुझे लगता है एसके बोलते कि हील निकल गई, पर निकाल किसने दी यार, सिर्फ 7 लोग बचे हैं अब तो, नहीं एसके बोलते कि हील निकल गई, पर स्काई ने उड़ा दिया बिल्कुल, डब 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 डब, 5 किल निकाली है नूब,
ओ अभी को मारा है, ओके अभी 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 को मारा है। सो नूब लकी विन 3 किल्स के साथ, पायरेट स्काईज 2 किल के साथ यहाँ पर बचे, और शाइन भाई भी गए। तो S7 की टीम जो फेयर प्ले नहीं कर रही थी, तो आई होप मुझे कोई किसी उसमें नहीं होगा कि अब मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा टीम प्ले करके जीत जाए और सोलो मैच और कर ले। करेंगे यार, स्क्वाड करेंगे, तसल थोड़ा सा पेशेंस रखो, स्क्वाड भी करेंगे। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो हमने बिल्कुल बिल्कुल पहला कदम चल रहा है। अभी तो एक सिर्फ टेस्ट मैच हुआ है और पहला फ्री एंट्री मैच है, हमारे प्रीमियम मैचेस आने वाले हैं। और ये मैं इतनी देर से वो कर रहा हूँ, और मैंने अपना हमारा जो स्पॉन्सर्ड है, जो प्राइज स्पॉन्सर है, वो तेजस रीडर्स है। तेजस रीडर्स है डिजिटल गुरुकुल, एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, एंड दे आर स्पॉन्सरिंग दिस इवेंट। सो इस इवेंट में जो है, जो प्राइज मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट प्राइज इज स्पॉन्सर्ड बाई देम। सो नूब लकी विन इनके सामने है, पायरेट स्काई इज देयर, एक्चुअली इनका नाम आकाश है, सो स्काई, ओके इसीलिए। और आगे से नूब लकी विन आ रहे हैं, और डीएन अंशु हैं, पायरेट स्काई हैं, शुभम हैं, इतने लोग अभी बचे हैं, तो सिर्फ 4 लोग अब अलाइव हैं। अब आएगा गेम का असली मजा, क्योंकि पहले तो किल कहाँ कहाँ निकल जाती है पता ही नहीं चलता, जल्दी 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 जल्दी। सो देखते हैं अंशु कहाँ पे है। सो अंशु ने अच्छा कवर तो अच्छा ले रखा, और अंशु के बैक साइड में कोई है भी नहीं, पर इन्हें जाना पड़ेगा और रोड भी क्रॉस करनी पड़ेगी इसके अगले जोन में। अभी तक तो पास में ही इनके जोन, तो जैसे मूव होगा ये चले जाएंगे, पर इनको ये जो इनका कवर है वो छोड़ना पड़ेगा। नूब लकी विन भी वहीं पर हैं, बिल्कुल सामने की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में इनके हैं, वो भी किसी रॉक के पास हैं। सो नूब लकी विन भी उसी जगह पर हैं 3 किल्स के साथ। अच्छा ये भी कवर में है, ये जो वुडन शेड होता है इसकी कवर में है। अंशु, डीएन अंशु, पायरेट स्काई सारे आसपास हैं, कवर छोटा हो चुका है, 4 लोग बचे हुए हैं। सो लेट्स सी हु विंस। तो इनके पास अभी 3 किल्स हैं, और बाकी जो लोग हैं, बाकी लोगों के पास, एक के पास 2 हैं, और अंशु ने अभी तक एक भी किल नहीं निकाला है और आखिरी तक सरवाइव किया है। सो शुभम विद 1 किल, लकी विन विद 3 किल्स, पायरेट स्काई विद 2 किल्स, वेरी नाइस। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट फेयर प्ले वाले ही एंड में बचे हुए हैं, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि जो अच्छा खेलते हैं पूरी टीम। ओ, अंशु की किल निकल गई, ओके अंशु की किल निकाल दी है भाई यहाँ पर शुभम ने, नहीं सॉरी स्काई ने निकाल दी है, स्काई ने एक और किल निकाल दी, वेरी नाइस। सो स्काई बने खेल रहे हैं यहाँ पर सांप सांप, और अच्छे, वेल इन टू द जोन, ही इज वेल इन टू द जोन, जोन बिल्कुल हो गया है, और कोई भी कवर नहीं है, एक पेड़ दिख रहा है मुझे सिर्फ जोन में, और उसके अलावा कोई भी वो नहीं है यहाँ पर, कोई भी कवर नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था, लेकिन कोई नहीं, वी हैव स्टार्टेड अगेन, बीच में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है कई बार। जोन और भी छोटा हो गया है, बट ही पायरेट स्काई इज स्टिल इन द जोन, 3 लोग बचे हुए हैं छोटे से जोन के अंदर, और सारे ही सांप सांप खे, ओ, पायरेट स्काई को उड़ा दिया पीछे से, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सो पायरेट स्काई को उड़ा दिया है भाई, और ये काम भी शुभम का है। शुभम और लकी विन 1-on-1 नाउ, लेट्स सी। क्रोजा के साथ लकी विन, इनको भी पता चल चुकी है शुभम की पोजीशन, बट एक्चुअली शायद रेंडर हुए नहीं है अभी तक, क्योंकि दोनों लोग सांप बने हुए हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ पे है। लेकिन इनको डायरेक्शन पता है एटलीस्ट कि हाँ ये इस तरफ हैं। ओके स्मोक कर रहे हैं और जा लेफ्ट साइड रहे हैं, ओके। गच्चा देने की कोशिश है कि भाई मैं इधर हूँ तुम उधर देखो, वो वाली बात है थोड़ा सा, ताकि ये धीमे धीमे जोन के अंदर आ सकें, ताकि ओके सामने शुभम को लगेगा कि जहाँ पे स्मोक हुआ है वहाँ पे बंदा है पेड़ के आसपास, तो पेड़ के आसपास देखने लगेंगे, और ये रेंग रेंग के सांप की तरह कुटिल चाल चलते हुए पहुँच जाएंगे इस जोन में। सो आ गए जोन में, वैसे तो बहुत एंड का जोन बचा हुआ है। शुभम 23 एंड नूब लकी विन, जो नूब लकी विन देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा लास्ट। स्काई वाज़ द थर्ड, ओके। सो स्काई और इन लकी विन और शुभम में से ही कोई विनर हमारा, मतलब ये तीनों ही विनर्स हैं हमारे, ऑब्वियसली टॉप 3 हैं। स्काई की किल शुभम ने निकाल दी। शुभम के पास किल्स जरूर लिस्ट हैं, पर पोजीशन लिए इन्होंने, और अभी तो किल्स भी निकाल दी इन्होंने।
फिर से ग्रेनेड कर रहे हैं। अच्छा आपने, ओ नूब लकी विन को शुभम ने, ओ शुभम हैज एंडेड द मैच, वेरी नाइस, ऑसम मैच। सो शुभम नंबर वन पे, सो 500 गोज टू शुभम एंड नूब लकी विन को जाता है 300 का प्राइज, और फायर स्काई को जाता है 200 का प्राइज। सो हमारे टॉप थ्री जो प्लेयर्स हैं, तीन तीन किल्स की निकाली हैं तीनों ने, बहुत अच्छा गेम प्ले, क्योंकि इतने जितने 40 लोग के आसपास थे तो तीन तीन किल बहुत किल हैं, लगभग 10% के आसपास हैं। सो दिस टूर्नामेंट वॉज स्पॉन्सर्ड बाई तेजस रीडर्स एंड डिजिटल गुरुकुल। वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट। हमारे और भी फ्री टूर्नामेंट्स और हमारा प्रीमियम मैच भी होता है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको मिल जाएगा डिटेल्स हमारी वेबसाइट का, जहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि प्रीमियम मैचेस क्या होते हैं, फ्री मैचेस कैसे होते हैं। फ्री मैचेस मोस्टली स्पॉन्सर्ड होते हैं, सो आप वो दोनों देखिए, और इस मैच का भी मज़ा आपने लिया, थैंक यू सो मच। सो काफ़ी लोग ने बहुत अच्छा खेला, देर इज़ अंशु, देर इज़ नूब बॉय जो टॉप 10 में आए। सो टीम एक्सपी J6 पर स्टिंग वॉज ऑन 7 एंड SK बोलते ऑन 6 विद 0 किल्स, जीरो किल्स के साथ भी ये 10 नंबर पे पहुंच गए थे। सो वेरी नाइस, एक गोलियां चलाए जा रहे हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और ये करते हैं कि शुभम और नूब लकी विन पायरेट स्काई, इन तीन लोगों को प्राइस जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल थ्री ऑफ यू, यू डिड रियली वेल। सो लेट्स होप कि सभी को मज़ा आए और सभी ये देखें, और जिनको प्राइज़ मिले वो भी बहुत खुश हों। सो आई होप एवरीबडी लाइक्स इट। थैंक यू सो मच guys for watching it, share and subscribe, and also bell icon press करना मत भूलना, क्योंकि नए notification match के बारे में, नए matches कब हो रहे हैं ये सब आता रहेगा। So thank you so much, thank you guys, have a nice day, bye bye, have a great day.